मेरा नाम रेखा है, मेरी उम्र 26 वर्षीय है। जब मैं 2.5 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था। हम गांव के लोग हैं तो मुझे कोई पता नहीं था कि पोलियो क्या चीज है। वो भी जब हॉस्पिटल में बताया, किसी लेडीज ने बोला लड़की को, क्यों तुम इसको बचा रहे, कि ऐसा दुआ करे कि ये मर जाए। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चलता रहा कि मेरे साथ क्या हो गया है। अब मैं सबके लिए एक बोझ बन के रहने वाली थी। जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आई और मम्मी बताती है, मुझे रोना आता है कि मैं सांप की तरह चलती थी, मगर मम्मी ने खूब मालिश करी, मुझे नमक के पानी में डालती थी, जैसे लोग बोलते थे वैसे मेरी मम्मी करती थी। मम्मी कहती कि अगर कोई ये भी बोलेगा ना कि आपकी बच्चे के लिए आपको पार्टी भी खाना पड़ेगा, तो मम्मी ने ये भी कहा कि मैं वो भी करने के लिए तैयार थी। जब मैं करीब 9 या 10 साल की होंगी और मेरी सिस्टर 14 साल की थी, उस टाइम पे मुझे ही अपनी सिस्टर को अपनी बैक साइड पे पिद्दी पे उठाकर उसे शौच के लिए लेके जाना होता था। वेट का बैलेंस करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ में थे, एक दूसरे की हिम्मत बनते थे और वो मेरे को हिम्मत देती थी और हम साथ में चलते थे। वो एक ऐसी हिम्मती लड़की है, उसको कभी देख के ऐसा नहीं लगता मेरे को कि वो नॉर्मल जो कर सकते वो नहीं कर सकती है। मुझे प्राउड होता है, अपने में गर्व होता है कि मैंने ऐसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाया। वो खुद डिसेबल है, बट और बच्चों को लेके जो आज डिसेबल हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, आज वो सब मेरी सिस्टर उनके लिए कर रही है और उनको साथ लेके चल रही है। We celebrate the triumph of human spirit by saluting Rekha Kumari as a positive health hero 2016. किसी भी विकलांग या अविकलांग व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत करके ही अपने हौसले को और अपनी मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्राउड है कि रेखा मेरी सिस्टर है।